आमिर को मनाने में एंड आपको फिल्म के लिए पूरी तैयारी करने में कितना टाइम गया? मेरी जर्नी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो फिल्म का कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेके जब तक फिल्म रिलीज होगी 4 साल हो जाएंगे। आमिर सर को क्यों चुना? आई थिंक जब मैं सिड और रॉनी के साथ था, स्क्रिप्ट लिखी थी तो हम लोगों ने किसी भी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखी थी, हम लोगों ने बस एक अच्छी कहानी लिखने के उद्देश्य से ये स्क्रिप्ट लिखी थी। आई डोंट नो, 5 सेकंड में ही शायद मैंने ये आंसर दे दिया था। जब स्क्रिप्ट सुनने के बाद सिड और आपको अगर कंप्लीट फ्री हैंड देते हैं तो कौन ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप ये फिल्म बनाना चाहेंगे? लेट्स फॉरगेट द रियलिटी और यू नो वेदर इट विल हैपन और नॉट, बट आई थिंक विद इन 2-3 सेकंड्स मैंने आमिर सर का नाम बोला था एंड मे बी राइटफुली सो, यू नो, बिकॉज ही इज नोन टू टेक अप वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम, ही इज नोन टू हैव गॉन टू ग्रेट लेंथ्स to make sure that he lives up to that character. You know, I'm not even getting on to the kind of performance he delivers, you know, so and all those things which were I think there in the back of my mind, you know, before I took out his name in 3 seconds, and then we said we'll try and see if we can give it a shot, whether we can get an appointment with him to go and narrate the film to him, and then we went and narrated it to sir, and then sir took his own time to convince himself. I think he'll be able to tell you much better what convinced him to do it, but he told one thing for sure, that I like it and I would want to do it, are you guys willing to wait? And our response was that we are willing to wait for 5 years, we are willing to do this film, and that's what एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई, मतलब मैं एकदम फ्लैट हो गया। इस कहानी ने मुझे हंसाया, रुलाया, आई वाज लाइक रियली मूव्ड बाय द स्क्रिप्ट, आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंस्पिरेशनल इन द एंड। तो मैंने ये तो तय कर लिया था कि मुझे करनी है, फिर मुझे ये फिक्र हुई कि उस वक्त मेरी बॉडी 9% बॉडी फैट, अभी पीके और धूम 3 करके निकला हूं, और इसमें नितेश जी जो है वो मुझे 55 साल के रोल में डालना चाह रहे हैं जो मेरी सच्चाई के कुछ ज्यादा नजदीक है। तो मैंने कहा यार मेरी सच्चाई बाहर नहीं निकला है, तो मुझे वो फिक्र थी, मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे वो फिक्र थी कि यार मैं अभी यंग रोल्स कर रहा हूं, मैं कहां 55 में 60 में घुस रहा हूं, मोटा होना है, बाल मतलब ग्रे हो जाएंगे, चाल अजीब सी हो जाएगी, जो थोड़े बहुत फैन बच्चे हैं वो भी भाग जाएंगे, तो मतलब क्या होगा मेरा फ्यूचर का, मुझे वो फिक्र थी। तो मैंने एक्चुअली मेरे माइंड में ये बात थी कि मैंने सोचा था कि मैं एक 5-6 साल 8-10 साल के बाद मैं ये कर सकता हूँ, मेरी जब उम्र 60 साल की हो जाएगी। आमिर हाय, दिस इज मयूर। मैं आंसर पूरा कर लूँ यार, आई हैव रियलाइज्ड नोबडी वांट्स टू लिसन टू माय आंसर। ठीक है, जो भी आप आंसर है, मेरा क्वेश्चन ये है, कैन आई आस्क नाउ? नहीं नहीं, आई एम नॉट फिनिश्ड यार, हद हो गई यार। किधर है मयूर? मयूर बड़े जल्दी में हो आप यार, के जाना है? नहीं, इट्स डिफिकल्ट टू गेट माइक, यू नो। हाँ, अच्छा अच्छा, तो मैं उस फिक्र में था कि मैं इस वक्त ये करूंगा, इतने बूढ़े इंसान का रोल, इतना मोटा हो जाऊंगा, अगली देखूंगा, तो टैक्टिकली ठीक नहीं होगा, मतलब लोग क्या कहेंगे, फिर आगे मेरे करियर का क्या होगा, तो ये सारी फिक्रें थी मुझे, और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था मुझे फिल्म करनी है। तो कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से फोन किया नितेश जी को, मैंने बोला मुझे दोबारा सुननी है कहानी, और मैंने दोबारा कहानी सुनी, और फिर मैंने सोचा कि यार हटाओ ये सब, जो जितना लॉजिक हो जाएगा उसको डब्बे में डालो, मुझे ये फिल्म अभी करनी है, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं इसी वक्त ये फिल्म करूंगा, मोटा होना है मोटा हो जाऊंगा, जो करना है मैं करूंगा, और मुझे अपनी पब्लिक पे पूरा भरोसा है कि वो समझते हैं कि मैं जब भी कोई किरदार कर रहा हूं तो मैं उस किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूं, वो यंग हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कैरेक्टर के। तो फिर मैंने बोला ये सब सोचना नहीं है यार, जहां दिल है अपना, अपने को वहां जाना है, तो देन आई डिड इट इमीडिएटली। आई हैड ओनली वन रिक्वेस्ट, मयूर वन लास्ट पार्ट ऑफ इट, सॉरी
my bad day. I'm so sorry. मैंने एक ही request थी मेरी नितेश जी से कि आप जो क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा fit था तो हम एक्चुअली इन ऑर्डर जा सकते थे कि पहले यंग पोर्शन शूट कर लें फिर हम लोग मैं वेट बढ़ाऊं फिर हम मोटापे का शूट करें फिर और बुड्ढा हो जाऊं 55 तक पहुंचूं ये सब हम कर सकते थे तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि मैं उल्टा करना चाह रहा हूं आप पहले वो मोटापे का पार्ट पहले आप शूट कर लीजिए और फिर हम मैं वेट कम करूंगा लूज करूंगा दोबारा मैं ऐसा दिखूंगा जैसे इस वक्त दिख रहा हूं आपको और हम यंग पोर्शन वो टाइम पे शूट करेंगे उन्होंने कहा क्यों ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं आप मैंने कहा देखिए जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी शूटिंग कंप्लीट हुई है जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अगर मोटापे का हम आखिर में करेंगे तो मेरा वजन 9700 किलोज होगा और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की ना कोई जल्दी होगी तो मैं उल्टा इसलिए करना चाह रहा हूं कि मुझ पर प्रेशर बना रहे कि मैं मोटापे का पोर्शन शूट कर चुका हूं अब इसी फिल्म के लिए मुझे कम करना है दोबारा बॉडी बनानी है फैट लॉस करना है तो वो एक जो प्रेशर होगा मुझ पे एक जो एक गोल मेरे सामने होगा उसको मैं अचीव कर पाऊंगा तो वो ही एक मेरी रिक्वेस्ट थी मयूर थैंक यू सो मच आमिर या माय लाइक आई डोंट विश टू विशेयर द एनवायरनमेंट हियर बट कमिंग बैक टू द इशू ऑफ सलमान खान एंड द कमेंट्स बाय मिस्टर इरफान खान डोंट यू थिंक दैट एज अ नेशन इट इज अ मिसफॉर्च्यून दैट यू नो टू पर्सनल कमेंट्स It's become more relevant and more important than the issue of, you know, justice for the many Nirbhayas and, you know, the killing in Dadri. See, you know, I think that, I really feel, you know, that as a society and especially the media, aap log sab media ke hain yahan pe, ke bahut sare issues hain humare saamne. Unfortunately, hota kya hai, human nature aisa hai, ke jahan jahan issues hote hain jo, कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं या किसी किस्म से नेगेटिव होते हैं उस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है मैं आपको अलग नहीं ठहरा रहा हूं मैं भी आपके साथ ही हूं ये ह्यूमन टेंडेंसी है इस आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया उसका न्यूज नहीं बनता ये इसने बड़ा नेक आदमी है इसने ये किया उसका न्यूज नहीं बनता लेट मी जस्ट कन्वे व्हाट आई एम सेइंग इन जनरल नेगेटिविटी सेल्स मच मोर देन पॉजिटिविटी दैट मच यू एग्री इन जनरल दैट इज द ट्रेंड दैट्स हैपनिंग टुडे So I'm saying it, if we all decide to focus on positive things, na, you'll find that there's a huge number of positive things happening in this country as well. There are a huge number of people who are working very hard and tirelessly on a ground level, on the grassroots level, for all kinds of issues. And I think that also needs to come out. That also needs to be promoted. That people need to see that. You know, as a common person, when I'm reading the news, I'm watching the television news, I'm also affected by what is being reported to me. So when someone says something which is disturbing, then I also get disturbed. But if you show me something that someone said which is good, then I also feel good. So I would request you all, I know it's often not in your hands, but if possible, there are so many positive things happening also in society. If you could concentrate on that, Mayur, and maybe you can ask me another question now because of that, which is yeah. positive in nature. Aamir sir, my question to you. Yeah, on your left. Yeah, yes. Sorry. Sir, you've been a man who inclined towards the society, betterment of society. Always been through Satyamev Jayate or any other thing. Why you kept the name this movie Dangal? Any specific reason behind that? Dangal actually title to Nitesh ji ne likha hai. Kyunki jab unhone kahani sunai mujhe to usi waqt unke mind mein ye title tha. To aapne kyun chuna ye title? आई थिंक सर ये टाइटल मैंने भी नहीं चुना था जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई दंगल ओनली अच्छा हाँ मतलब व्हेन द चार लाइन थॉट जो आया था मेरे पास यूटीवी की टीम से डिज्नी की टीम से तो उसका टाइटल दंगल ही था यू नो तो आई नेवर फाउंड एनी नीड टू चेंज इट बिकॉज इट्स सो एप्रोप्रिएट दंगल इज एक्चुअली आपको लग रहा है शायद दंगल का मतलब राइट्स है ना नॉट दंगल का मतलब राइट्स नहीं है वो मराठी में हम उसको बोलते हैं दंगल राइट्स एक्चुअली हिंदी में या हरियाणवी में जब हम दंगल बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में दंगल का मतलब है कुश्ती अ बाउट अ चैलेंजिंग बाउट इज अ दंगल और हमारा जो ओपनिंग गाना है वो अभी रिलीज नहीं हुआ मैं उसके बोल आपको एक दो लाइन सुनाता हूँ आपको फिर समझ में आएगा टाइटल इतना अप्रोप्रिएट है माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता
गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल. तो आई हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया ऑफ द थॉट ऑफ द सॉन्ग कि हाउ एक्चुअली लाइफ में हर मोमेंट आप फेस करते हैं चैलेंजेस एंड एवरी चैलेंज इज लाइक अ दंगल. हाउ यू रिएक्ट टू इट, हाउ यू फेस अप टू इट इज व्हाट मैटर्स. मिस्टर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जी आपसे मेरा सवाल है, आपके फ्रंट में हूँ आलू, कि ये एसोसिएशन कैसा रहा, क्योंकि इसके पहले आपकी तरफ से द जंगल बुक वगैरह काफी अच्छा कर रही है ऑल लेवल पे, तो विद आमिर एंड दंगल. मतलब जंगल बुक कर रहे हैं तो फिर आमिर की क्या जरूरत पड़ी आपको. नहीं सर, पहले पहले जंगल फिर दंगल इस तरीके. Well, this happens to be our ninth association with Aamir, actually. We were just counting the other day as producers, co-producers, distributors in some capacity or the other. So it's nothing new for us to want to be associated with Aamir in some capacity. I think when a member of our creative team, actually Divya Rao, who's you know sort of unfortunately not here today, the idea really came from her. She, you know, read about this story and she thought it would make a great film. And when she came to us with it, it sounded like something that was so inspirational, so such a wonderful story that really had to be told. And, you know, we had the good sense to go to someone like Nitesh and tell him about the story. And he also fell in love with it. And from that point on, the journey started. And, you know, he wrote a beautiful script. As he said just now, the only person we had in mind to go to was Aamir. And it all fell into place really, really well. So really happy that it happened. Aamir, hi, this is Faridun from Borodangama Center. Hi. The poster is looking amazing. My question to you is that you've already always stood for women rights and the girl child and a lot of other things as well. When we look at the poster, somehow we see all the four girls, somehow, you know, in a boyish look somewhere. Don't you feel that even if a girl has to portray like a tough role, it can retain its, the femininity as well? Yeah, of course. You're absolutely right. And I don't believe that a girl or a woman has to go easy or reduce her femininity and be more like a male to be strong. I don't believe that at all. Right. And nor does the film believe that. The only reason that their hair is short is because it's from a practical point of view of wrestling. So when you see the film, you'll understand that. And are you doing Rakesh Sharma's biopic? There are reports that you're doing Rakesh Sharma's biopic. You know, I've not signed any film yet. Are you planning? I've just begun to read scripts and explore the possibilities. I have not signed anything but yet. But is Rakesh Sharma something that you're exploring? You know, until I sign a film, I can't tell you because it's not fair. It's not fair. I'll tell you why. Because there are a lot of people approaching me and they're approaching me with confidence that I will not let them down. So when someone narrates a script to me, I don't tell anyone ki mai, bhai, so-and-so director ne script leke mere paas aaya. Kyunki agar maine nahi ki, तो फिर वो रिफ्लेक्ट करता है कि यार आमिर ने वो फिल्म क्यों नहीं की, रिजेक्ट की, नहीं बन रही है वो फिल्म, क्या उसकी स्क्रिप्ट ठीक नहीं थी, क्या नहीं था. आई डोंट वांट दैट, इट्स नॉट फेयर. व्हेन समवन कम्स टू मी इन फेथ एंड आई लाइक टू अपहोल्ड दैट फेथ. सो विच एवर स्क्रिप्ट आई हियर, यू विल नेवर कम टू नो कि मैं किसकी सुन रहा हूँ किसकी नहीं सुन रहा हूँ. सो आई विल नीदर डिनाई नॉ एडमिट एडमिट टू योर क्वेश्चन. थैंक यू आमिर भैया. मिस्टर तिवारी, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. कैन आई आस्क? हां. Okay, thank you. Aamir, the question is regarding your weight in the movie. How did you gain the weight and how do you reduce the weight? You know, see, gaining is easy. Wazan badhana bahut aasan hai. Aap khaiye, pijiye, wo sari cheeze jo humko bola jata hai, mat khao, jalebi, sweets, mithaiyan, deep fried wafers, samosa, barata wada, jitni cheeze jisme tel zyada ho, to wo sari cheeze jo bahut hi tasty hoti hain, jo hum खा नहीं पाते तो वो मुझे पूरी छूट मिली थी. 6-8 महीना मैं दवा के खा रहा था और इतना मैंने इंजॉय किया, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत इंजॉय किया. मतलब जहां मैं जाऊं लोग बोल रहे हैं अरे यार मैं ये नहीं खा सकता, नहीं खा. अरे खाओ यार, कुछ नहीं करके मैं ले लेता था. तो केक खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, मतलब लाइफ में इतना मैं फ्री कभी मैंने फील नहीं किया. नहीं तो हमेशा डाइट पे रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. तो आई रियली एंजॉयड दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑन वेट एंड ऑल ऑफ दैट and staying fat. I had to stay fat, you know, through the shooting of the film. Aur phir wo waqt aaya jab mujhe kam karna tha, to aisi band baji hai meri. Uff, it was really difficult.
But I had a great team with me, I have to tell you. I want to acknowledge my team over here. Ek to mere jo nutritionist hain, unka naam hai Dr. Nikhil Durandar. Wo America mein rehte hain. Aur yahan par Santa Cruz mein Dr. Durandar ka naam aapne shayad suna hoga, senior Dr. Durandar. Unke bete hain. Aur unhone, kyunki main senior Dr. Durandar ke saath kai saalon se tha, as a nutritionist, as a, you know, person who used to consult him. Unki tabiyat kuch bigad gayi to, luckily I met Nikhil. He was in India that time. And he said, I'll take over from where dad was, where dad has left. So, usse mujhe bada, mujhe taakat mili. Kyunki you need a nutritionist who knows about food properly. Us knowledge ke saath mujhe pura faith tha ke yahan main wrong nahi ja raha hu. Whatever he tells me will be the correct thing. So, and I involved him in the, before we started the shooting. Even in the weight gain and in the weight sustenance, he was still part of that, creating the diet for me. And then the weight loss began from the 10th of January. I think 10th January se mera weight loss shuru hua. So he was very critical in this whole process. The other two people who were critical were my trainers. Ek mere trainer hai, unka naam hai Rakesh. Aur Rakesh mere saath the, shuru mein jab humne shuru kiya training. Aur ट्रेनिंग में देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं मोटा हूं लेकिन मेरी ट्रेनिंग फिर भी जारी है. आपको वो मसल्स दिखेंगे नहीं क्योंकि चर्बी इतनी ज्यादा है उसके ऊपर कि मसल्स का शेप आपको नजर नहीं आएगा. लेकिन वो जरूरी है क्योंकि जब मैं मसल लाना चाहूंगा तो फिर अगर मैंने कंटिन्यूस ट्रेनिंग नहीं की है तो देन टू बिल्ड मसल टेक्स मच लॉन्गर. सो इट इज इंपॉर्टेंट आई ट्रेन राइट थ्रू दिस प्रोसेस. इवन व्हेन आई एम फैट आई एम ट्रेनिंग एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन व्हेन यू आर फैट. 97 किलोज एंड यू आर डूइंग स्क्वाट्स एंड यू आर डूइंग यू नो बेंच प्रेस एंड यू आर डूइंग इट्स वेरी डिफिकल्ट. खैर तो मैंने वो राकेश वॉज विथ मी एंड देन राकेश इज एक्चुअली सलमान्स ट्रेनर. वो रेगुलरली सलमान की ट्रेनिंग करता है. तो उसने मुझे एक दिन कहा कि भाई बुला रहे हैं सुल्तान की शूटिंग शुरू हो रही है. तो मैंने कहा जाओ भाई तुम भाई के पास जाओ. तो वो भाई के पास गए और ही ट्रेन सलमान एंड उनकी जगह पे राहुल भट्ट केम टू ट्रेन मी भट्ट साहब के जो बेटे हैं. तो राहुल भट्ट ट्रेन मी फॉर 3-4 मंथ्स जस्ट शूटिंग के दौरान. And then once Sultan ki shooting complete ho gayi, then Rakesh came back. So last 3 months again, Rakesh has trained me. So between Rakesh and Rahul, they both really managed my schedule really well. They really pushed me to the extreme. Both are very good trainers. Both are excellent, very knowledgeable trainers. So with Dr. and Rakesh, I had three people who were a strong team to help me through this very difficult phase of changing the shape of your body. In fact, there's another thing I need to thank Salman for here, is the title, Dangal. I don't know if you know that. Because Dangal title, script mein to likha hua tha aapne. Lekin jab humne pata kiya, to wo script ka jo rights the, wo Puneet ji ke paas the, Puneet Isar. So I knew that Salman is very close to Puneet and I called up Salman one day and said, ke yaar, mujhe Dangal title chahiye yaar, can you request... Can you arrange a meeting between Puneet and me? So actually Salman called up Puneet and said, yaar, unko title chahiye. Jabke wo Sultan bana raha hai, log bolte hai ki hum log ek dusre se jhagda kar rahe hain, wo same wrestling film hai. Lekin aisa kuch nahi hai, kyunki Salman ne actually humko help kiya. Dangal ka title milne mein Salman ka bada haath hai. And he called up Puneet and then Puneet and I met. And Puneet was very sweet. He said, ki yaar, main use nahi kar raha hun, to aap log istemal kar lo. So he gave us the title and that's how we got the title actually, Dangal. Hi, Siddharth. Siddharth over here.